हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 2400 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मतलब नहीं तो हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनावी कराता रहता है। इस राज के चुनाव आ जाओ, इस राज से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती, प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक। इस देश में और कुछ हो ना हो, 2400 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव हैं, उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बज जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मतलब नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनावी कराता रहता है। इस राज के चुनाव आ जाओ, इस राज से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था, फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों, आचार संहिता लागू, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा, तो हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती, प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है, एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीने में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। और फिर राजनीतिक दल भी कितना खर्चा करते हैं। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे, ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था, और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए, और मिलकर सब रोज होने वाले हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दे। ये निजी स्वार्थों के कारण कोई करेगा तो ऐसा करेगा, दिल से किसी भी पार्टी के नेता से पूछ लो, अंतरात्मा से कि बताओ ये देश के हित में है कि नहीं, तो हर एक के अंदर से, अंतरात्मा से निकलेगा कि यही होना चाहिए। अब राजनीतिक फैसले अगर उनको करना हो तो अलग बात है, लेकिन मैं फिर सबसे अपील करूंगा कि मत करो राजनीति, राष्ट्र हित में इस
फैसले के पीछे सब खड़े हो।